तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्मार्टफोन को और भी ज्यादा तेज कर सकते हैं। बजाय आपका स्मार्टफोन क्यों इतना स्लो हो गया है, जब आपने उसको नया खरीदा था तब तो अच्छे से काम कर रहा था, पर अब वो काफी स्लो हो गया है, हैंग करने लगा है। तो अगर आपके साथ भी ये समस्या है तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने स्मार्टफोन को किस तरह से वापस से नए जैसा बना सकते हैं, किस तरह से वो क्यों स्लो हो रहा है। सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि वो क्यों स्लो हो रहा है। जब तक डॉक्टर को बीमारी नहीं पता चलेगी तो वो दवाई कैसे लिखे। तो आपका फोन क्यों स्लो हो रहा है, तो जो सबसे पहली बड़ी जानकारी जो सब जानते हैं, कॉमन चीज, मैं एक बार दोहरा देता हूं कि आप उसमें फालतू के एप्स ना रखिए। अगर आप अपने एंड्रॉयड फोन, iOS फोन, कोई भी फोन में फालतू के एप्स रख रहे हैं तो जरूर से हर तरह से, एक तो स्टोरेज भी फुल होगी आपके स्मार्टफोन की, एक तो रैम भी जाएगी, एक तो कुछ कैचे मेमोरी भी क्रिएट होगी, तो उससे आपका स्मार्टफोन को हर तरह से लॉस पड़ रहा है। एक ऐप रखने में आपका स्मार्टफोन काफी कॉम्प्रोमाइज करता है एक ऐप रखने में, तो सोच समझ के वही ऐप रखिए जो आपके लिए बहुत ही काम के ऐप हो। बाकी वैसे ऐप न रखिए जो आपके काम के लिए नहीं है, मेरी बात मानिए तो यही करिए आप। दूसरी जो बात है, और मैं बात के साथ आपको तरीके भी बता दूंगा उसी समय, जो दूसरा बात है वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं, डिलीट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, डिलीट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सोचते हैं कि अब डिलीट कर दिया है मैंने, सब खेल खत्म। पर जो ऐप इंस्टॉल करते हैं आप कभी कभी सोचते होंगे, फाइल मैनेजर आप खोलते होंगे तो उसमें ढेर सारे फालतू के फाइल क्रिएट हो जाते हैं, फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं जिसका नाम com.google.android कुछ ऐसे ही नाम हो जाते हैं, एप्स तो कुछ नाम हो जाते हैं और आपको समझ नहीं होता ये क्यों बन गया है कहां से, और उसकी स्टोरेज बहुत कम होती है। तो वो वही एप्स ने अपने एक डेडिकेटेड मेमोरी एड्रेस बनाई होती है आपके स्टोरेज में, तो ये ऐप आप जब अनइंस्टॉल कर देते हैं फिर भी ये एड्रेस वही सेव रहती है, इसका डाटा वही सेव रहता है, तो आप उसको भी डिलीट करिए। अगर आप इंस्टॉल कर रहे हैं और फिर अनइंस्टॉल कर रहे हैं तो उसको भी डिलीट करिए, जाके वहां मैनुअली अपने से नहीं डिलीट होगा आप तो। और जो आसान तरीका वो ये है कि आप क्यों फालतू के काम कर रहे हैं, क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, अनइंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल अनइंस्टॉल ना करिए ना, सिंपल से अच्छा फोन है, महंगा फोन है, चलाइए आराम से। अब जो तीसरी बात है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। कई बार होता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट करने पे आपका फोन बढ़िया लॉलीपॉप से मार्शमेलो हो गया, मार्शमेलो से नगट हो गया और आपका फोन बहुत ही अच्छा काम करने लगता है, नए नए फीचर्स आ जाते हैं और आपको मजा आ जाती है, आपको लगता है मैंने तो किटकैट के पैसा दिए थे पर मैं आज मार्शमेलो चला रहा हूं। पर कई बार ये गलती महंगी भी पड़ जाती है। आप सोच समझ के अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करिए, ना कि सॉफ्टवेयर एप्स की भी बात कर रहा हूं मैं। पहले मैं सॉफ्टवेयर की बता दूं फिर एप्स के बारे में बताऊंगा। जो सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं कंपनी की तरफ से, कई बार वो जल्दबाजी में आ जाते हैं, तो आप एक बार अपडेट करने से पहले चेक कर लीजिए कि जो आपके स्मार्टफोन में अपडेट आया है वो कैसा रिव्यू आ रहा है लोगों का। आप इंटरनेट पर सर्च करिए कि कैसे लोग क्या उससे खुश हैं, क्या क्या नए फीचर मिलते हैं आपको। जो अगर आपको नए फीचर्स के बारे में पता हो और आपको उसकी जरूरत हो तो ही जाके आप अपडेट करिए, नहीं तो अपडेट की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। जब आपका काम उसमें ही चल रहा है तो क्यों आप अपडेट कर रहे हैं, जब आपका काम उसमें अच्छे से हो रहा है। कई बार क्या होता है, वो जो अपडेट आता है नया अपडेट, वो आपके स्मार्टफोन का जो हार्डवेयर रहता है उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं रहता है, क्योंकि वो नए नए स्मार्टफोन के लिए अपडेट आता है। तो आपका अगर आपके स्मार्टफोन के हार्डवेयर के साथ वो ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपके स्मार्टफोन के साथ डिसमैच करेगा और जरूर से आपके बैटरी लॉस होगी, आपका प्रोसेसर का स्पीड लॉस होगा। इसलिए आप अपडेट करने से पहले काफी सोचें समझें। और एप्स की बात करें तो अगर गूगल प्ले स्टोर से आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि हर महीने उसमें नए अपडेट आते रहते हैं, महीने दो महीने, और कहता है कि आप इसको अपडेट कर लीजिए, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि हमें क्या नया फीचर मिल रहा है अपडेट करने से। अगर कुछ नया फीचर नहीं मिल रहा है तो क्यों अपडेट करें आप उसको, हो सकता है आपकी उसके बैटरी ज्यादा जाए, हो सकता है वो खराब निकल जाए, तो अब नया फीचर मिले तभी जाके उसको अपडेट करिए, नहीं तो मत करिए। एक तो आपका डाटा भी जाएगा, एक तो आपकी मेमोरी भी बढ़ेगी, तो कोई फायदा नहीं, आप गूगल प्ले स्टोर में जाके ऑटोमेटिक अपडेट हटा सकते। अब चौथी जो बात है, आपका स्मार्टफोन क्यों स्लो हो रहा है, ज्यादा लोग इस पे ध्यान नहीं देते, आप जो स्मार्टफोन में ठूस ठूस के स्टोरेज भर देते हैं। 16 GB में आपको पहली बात 10 या 11 GB फ्री मिलता है, तो उसमें आप 9-10 GB पिक्चरें भर देंगे, वीडियोस भर देंगे, गेम्स भर देंगे, पता नहीं क्या क्या भर देंगे, तो क्यों भरते हैं। वो भरने से भी स्मार्टफोन का स्पीड में लॉस होता है, वो इसीलिए हैंग करता है जो उसमें स्टोरेज इतना रहता है। कोशिश करिए स्टोरेज इतना ना रखिए, आराम से अपना काम करिए, 4-5 GB में कुछ स्टोरेज फ्री भी रख दीजिए, स्टोरेज भी फुल करने से समस्याएं आती है। अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की, तो स्मार्टफोन को जो तेज बनाने का ब्रह्मास्त्र है वो है फैक्ट्री रीसेट करना। आप 2 या 3 महीने में अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें। अगर आप नहीं जानते किस तरह से फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए। स्मार्टफोन को फैक्ट्री रीसेट करने के बाद वो बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसा नया आपने लाया था,
और आप वही वही ऐप इंस्टॉल करिए जिसकी आपको जरूरत है और वो आप बिल्कुल स्मूथली रन करें। फैक्ट्री रीसेट करने के लिए आप सेटिंग्स में जाइए, इधर उधर देखिए, आपको फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, आप नीचे दिए गए आइकन से हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसी नई नई टेक वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ और जानना या बताना हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेशन में जरूर मेंशन कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।